खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दुष्यंत चौटाला ही होंगे हरियाणा के डेप्यूटी सीएम। अब ये साफ हो गया है, पहले मां नैना चौटाला का नाम भी रेस में चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, दुष्यंत चौटाला ही बनने जा रहे हैं हरियाणा के डेप्यूटी सीएम। जेजेपी के वो मिलेगा डेप्यूटी सीएम का पद। ये गठबंधन का फॉर्मूला बीजेपी और जेजेपी में तय हुआ था, लेकिन ये साफ नहीं था कि मां नैना चौटाला होंगी डेप्यूटी सीएम या फिर दुष्यंत चौटाला होंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला ही होंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री होंगे मनोहर लाल खट्टर, थोड़ी देर पहले यह साफ हो गया था, लेकिन जेजेपी में कौन बनेगा डेप्यूटी सीएम इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन खबर आ गई है डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ही होंगे। नीरज पांडे का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो नीरज, अब ये साफ हो गया है कि दुष्यंत ही होंगे हरियाणा के डेप्यूटी सीएम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जेजेपी के सारे जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ में ही हैं और चंडीगढ़ में एक बैठक हुई थी आपस में, और कल जब दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला से मिलने गए थे तो वहां भी उनकी राय ली गई थी। नैना चौटाला के साथ भी रात में उन्होंने मुलाकात की थी, वहां भी चर्चा हुई थी। तो इन सब चर्चाओं के बाद आज निर्णय लिया गया, दुष्यंत चौटाला ही पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, वही उप मुख्यमंत्री होंगे और इसके अलावा दो मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से दोनों के नाम भी फाइनल है, लेकिन अभी पार्टी गुप्त रख रही है। थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा, दो मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि नैना चौटाला या कोई दूसरा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन सकता है, वो सारे कयास बिल्कुल हट गए हैं, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, दुष्यंत चौटाला ही पार्टी की तरफ से नेता होंगे सदन में और सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, पूरे हरियाणा में उनकी लोकप्रियता है और यूथ में खासकर उनका बहुत बड़ा क्रेज है, और उसको पार्टी भुनाना चाहती है कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद देकर आगे की जो लड़ाई है उसमें पार्टी को और मजबूत करने का इरादा है, इसलिए पार्टी उन्हें ही उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है।